वेलकम दोस्तों, मैं गौरव मिगलानी आज आपके सामने लेकर आया हूँ 11th क्लास का अकाउंटेंसी। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको सिंपल सी बात बताने जा रहा हूँ कि मैं इसी चैनल के ऊपर बिजनेस स्टडीज की 11th क्लास की यूनिट्स 1 और 2 का वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। पूरे पूरे चैप्टर्स हैं उसमें, बहुत ईजी वे में समझाया है मैंने उसको, आप उसको देख सकते हैं। 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज के भी यूनिट और 1 और 2 अपलोड पहले से ही हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपके सामने एक छोटा सा मैं आपको सजेशन देने जा रहा हूं कि आप प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी अकाउंटेंसी का आपके पास बुक है तो उसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले उस बुक में से अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या वो कैब बार बार यूज करते हैं, कौन से वर्ड ऐसे आते हैं जो हमको बार बार यूज करने होते हैं, मतलब बेसिक टर्म्स है उसमें, वो बेसिक टर्म्स आपको सीखनी है, बहुत इजी हो जाता है उसके बाद अकाउंट्स को पढ़ना। उसके बाद हमको क्या करना है, आपके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है, उस बेसिक प्रिंसिपल्स को भी आपको ध्यान से सीखना है। जब आप ये बेसिक सी बातें आप जब आप समझ जाते हो तो इन बेसिक्स की बेसिक सी बातों को समझने के बाद जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होता है वो आपका 70% और भी इजी हो जाता है। आपको प्रैक्टिकल टॉपिक्स करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स सीधा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको लास्ट तक भी ये समझ में नहीं आता है कि हमको अकाउंट्स में करना क्या था। पर अगर स्टार्टिंग में आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो, सिर्फ एक हफ्ता आपको देना है इन टॉपिक्स को, आप ध्यान से इसको समझिए, पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए, तो आपका प्रैक्टिकल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमको अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, क्या नीड है। सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन एक टाइम पीरियड के बाद, वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 3 महीने है, 6 महीने है या 1 साल है, कोई भी व्यक्ति जो होता है जो बिजनेस कर रहा है वो ये देखना चाहता है कि मुझे बिजनेस में कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितना लॉस हुआ है, मैंने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई हुई है, मतलब पूंजी। आपने सुना होगा ना कि लोग बोलते हैं कि मैंने इस बिजनेस में इतना पूंजी लगाया हुआ है, तो वो कैपिटल भी देखना चाहता है कि मैंने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई हुई है। इन सभी बातों को जानने के लिए, क्या प्रॉफिट लॉस कैपिटल इन्वेस्टेड को जानने के लिए वो बिजनेसमैन क्या करता है, सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करता है, खाता बही रखता है। आपने छोटे छोटे दुकानदारों को देखा होगा कि कुछ दुकानदार इस प्रकार की खाता बही रखते हैं, तो वो दुकानदार क्या करते हैं, दिन में जो भी लोग उनसे ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, किसी ने माल खरीदा, किसी ने माल बेचा, कोई भी लेन देन होता है, कोई उधार खरीद कर गया, कोई उधार बेच कर गया, तो वो बिजनेसमैन क्या करता है, इस खाता बही के अंदर सब कुछ लिखता रहता है। इसी प्रकार ही जो एक बिजनेस होता है उस बिजनेस के अंदर वो बिजनेसमैन क्या करता है, सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करता है। अब जब वो मेंटेन कर लेता है तो वो मेंटेन करने का पर्पस क्या होता है, क्यों मेंटेन करता है, क्योंकि उसको एक टाइम पीरियड के बाद जानना क्या है, प्रॉफिट लॉस और कैपिटल जानना तो ये होता ही है, परंतु इसके साथ साथ उसका ये पर्पस भी पूरा हो जाता है कि मेरे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं। एसेट्स को आप सिंपल सी भाषा में बोले तो उसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि हमने कितने लोगों को पैसा देना है, कितने लोगों को पैसा देना है और कितना देना है। एसेट्स के साथ साथ हमको ये भी पता लग जाता है कि हमारे पास कितने लोगों ने हमको पैसा देना है और कितने अमाउंट में पैसा देना है, ये भी हमको पता लग जाता है। अकाउंट जब वो सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करता है तो उसको एक बेनिफिट और ये भी हो जाता है कि उसको ये भी पता लग जाता है कि मेरे बिजनेस में पूरे के पूरे टाइम पीरियड में, 3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में, जो भी टाइम पीरियड वो डिसाइड करना चाहता है, मैंने कितने एक्सपेंसेस किए। उस टाइम पीरियड के बाद उसको ये भी पता लग जाता है कि मैंने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। अब जब वो सिस्टमेटिक तरीके से सब मेंटेन करता है तो क्या होता है, उसको इनकम टैक्स के बारे में पता लग पाता है कि मुझे अभी कितना इनकम टैक्स पे करना है, कितना सेल्स टैक्स पे करना है, कितनी जीएसटी भरनी है, या कोर्ट में, मान लो कोर्ट में आपके खिलाफ किसी ने कोई मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमने मान लो अकाउंट अच्छे से मेंटेन नहीं किए, तो हमारे पास प्रूफ तो रहता ही है, उस प्रूफ को हम कोर्ट में दिखाकर अपनी कार्यवाही को हम ठीक ढंग से भी चला सकते हैं।
तो मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से फिर से मैं एक बार इस टॉपिक को पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन एक टाइम पीरियड के बाद जानना चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हुए, लॉस हुए, या कितनी कैपिटल मैंने बिजनेस में कितनी लगाई हुई है। इन सभी बातों को जानने के लिए वो क्या करता है, सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करता है, और इसी के साथ साथ उसको पता चल जाता है कि मैंने कितने लोगों से पैसा लेना है, कितनों को पैसा देना है, कौन कौन से पर्सन को पैसा देना है, ड्यूरिंग द ईयर मेरे कौन कौन से एक्सपेंस हुए। इन सभी बातों के साथ साथ हमको फायदा क्या होगा, हमको ये पता लग जाता है कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, कितनी जीएसटी पे करनी है, कितनी सेल्स टैक्स पे करना है। और कोर्ट में आप इन अकाउंट्स को अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से आपने रखा हुआ है तो आप इसको प्रूफ के तौर पर वहां पर उसको प्रेजेंट भी इजिली कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले ये टॉपिक स्टडी करना है, अकाउंटिंग साइकिल। आपकी बुक में कोई भी टॉपिक चाहे पहले दिया हुआ है, पर मैं आपको फिर भी एक गाइड करूंगा कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो इस टॉपिक को समझने के बाद हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग के क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमको स्टडी करना है, जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल से ही निकल कर आने वाला है, वो क्या है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग साइकिल एक ऐसा ब्यूटीफुल टॉपिक है जिसको समझने के बाद देखो आपके कितने सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन टॉपिक आपके एक ही टॉपिक में से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अकाउंटिंग साइकिल का टॉपिक जो आप अभी समझने जा रहे हैं इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले नंबर पे है हमारा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं लेन देन। आपने एक दुकानदार के पास देखा हो, एक छोटा सा दुकानदार के आप पास गए, आपने उससे कुछ खरीदा, तो वो क्या करता है, अपने पास एक बुक रखता है, इस प्रकार की आपने देखी होगी कोई बुक जिसके अंदर वो लिखता रहता है, या आपने इस प्रकार की कोई बुक देखी होगी, रेड कलर की होती है, उसके अंदर वो लिखता रहता है। छोटा सा दुकानदार तो सिर्फ क्या लिखता है, किसी से वो माल खरीद कर लाया तो वो लिख लेता है, कोई उससे उधार खरीद कर जाता है तो वो भी उसको उसमें लिख लेता है, सिर्फ उन्हीं बातों को लिखता है, वो उधार खरीदना उधार बेचना या उसने कोई छोटी मोटी बात याद रखनी है वो सिर्फ उसके अंदर सिर्फ वही लिखता रहता है। पर अगर हम बहुत बड़े बिजनेस की बात करें तो बहुत बड़े बिजनेस के अंदर हमको छोटी छोटी बातों को भी लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं से आप कुछ खरीद कर लाए, आप चाहे नकद में खरीद कर लाए, मतलब आप पैसे देकर आए हो या नहीं देकर आए हो, आपने उधार में खरीदा है या नकद खरीदा है आपको वो भी लिखना पड़ेगा, आपने किसी को माल बेचा है तब भी लिखना पड़ेगा, अब चाहे आपने नकद बेचा हो या उधार बेचा हो आपको लिखना पड़ेगा, आपने किसी से फर्नीचर खरीदा है, आपने किसी से मशीन खरीदी है, आपने कहीं से लोन लिया है, आपको हर बात का हर लेन देन का हिसाब किताब तो रखना ही पड़ता है। तो ट्रांजेक्शन को वो बिजनेसमैन या अकाउंटेंट जहां भी लिखता है उसको हम बोलते हैं जर्नल। एक लगा लो कि एक आपकी रफ नोटबुक है, दिन में जितने भी लेन देन हुए आपने उसको यहीं पर लिख दिया, खरीदा बेचा, कोई पैसा लेकर गया, कोई पैसा देकर गया, वट एवर जो भी हुआ आपने कहाँ लिख दिया, जर्नल में लिख दिया। जर्नल के बाद हम उसको अलग अलग जगह पे मेंटेन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेजर। लेजर के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हमारा ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस के अंदर भी एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, सिर्फ इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक वैसे जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको 10 मिनट के अंदर ही ये टॉपिक बिल्कुल इजीली फॉर्म में समझ में आ जाता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हमको लास्ट में बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इस टॉपिक से रियलिटी में अब आकर हमको पता लगता है कि हमारे बिजनेस में कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितने लॉस हुए हैं, हमारे पास कितने रुपए की प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, कितने लोगों से हमने पैसा लेना है, कितने लोगों को पैसा देना है। जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बोला था कि जो हमारा टारगेट होता है, ये कब पता चलता है, हमको लास्ट में आकर पता चलता है। मैं आपको इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी समझा रहा हूं।
अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका इस अकाउंट्स को पढ़ने का जो पर्पस है आपका वो 70 से 80% पर्पस आपका सोल्व हो जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, इजी तरीके से पूरे के पूरे अकाउंट्स को इजिली समझ पाएंगे। देखो, अकाउंटिंग साइकिल को मैंने यहां पर ट्रांजेक्शन लिख दिया है। अकाउंटिंग साइकिल को मैंने क्या लिखा है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन के बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये साइकिल मैंने एक बार साइड पे रख दिया ताकि मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हमको बिजनेस में क्या देखना होता है कि हमारी ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। सबसे पहले हमको ये देखना है कि ट्रांजेक्शन वो मनी में है या नॉन मनी है, मतलब नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हमारी ट्रांजेक्शंस होती रहती हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो लेन देन हमारा मनी में कन्वर्ट हो सकता है क्या, या वो लेन देन हमारा नॉन मॉनेटरी है। नॉन मॉनेटरी का फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि दो मैनेजर हैं, उन दोनों मैनेजर्स का आपस में लड़ाई हो जाता है, उस दोनों मैनेजर की वजह से, लड़ाई की वजह से बिजनेस में हमारा इफेक्ट तो होने वाला है, नुकसान तो होने वाला है। नुकसान कितना होने वाला है हम उसको नहीं पता कर सकते, तो पता कर सकते तो डेफिनेटली उस चीज के बारे में हम बिजनेस में राइट भी नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, इम्प्लॉयज छुट्टी पे रहते हैं या इम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले जाते हैं, स्ट्राइक पे जाने की वजह से या इम्प्लॉयज की छुट्टी पर होने की वजह से हमारे बिजनेस में, प्रोडक्शन में लॉस तो होता है, पर कितने का लॉस होता है उसको मैं मेजर नहीं कर पाता हूँ, नहीं पता कर पाता हूँ। तो उसको भी मैं ट्रांजेक्शन तो मानता हूँ, पर उसको हमको आगे अपनी बुक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखना होता है। तो लिखनी कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, जो मनी में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं से 1 लाख रुपए की मशीन खरीद कर लाया, तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजेक्शन है मशीन खरीदने की, इसको मैं मेजर कर सकता हूं कि ये 1 लाख रुपए में है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो मैं कहीं से 3 मशीन खरीद के लाया, कितनी मशीन खरीद के लाया, 3 मशीन। अब इसको मनी में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, इसकी मार्केट वैल्यू पता करूंगा। मान लो एक मशीन 4 लाख रुपए की है, तो 3 मशीन टोटल कितने लाख रुपए की हो गई, 12 लाख रुपए की हो गई। तो सिंपल सी बात मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले हमको बिजनेस में ट्रांजेक्शंस के बारे में देखना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो मॉनेटरी फॉर्म में है या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में है। अगर वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होती है तो हमको उसके ऊपर आगे कोई काम नहीं करना होता है। अगर वो मनी में कन्वर्ट हो जाती हैं, इस तरह से मनी में उसको अगर हम मेजर कर पाते हैं तो हमको फिर सेकंड स्टेप के ऊपर इस वाली ट्रांजेक्शन को लेकर हमको फिर जर्नल में एंट्री करनी पड़ती है। देखो, जब हमको ट्रांजेक्शन के बारे में पता लग जाता है ना कि वो ट्रांजेक्शन मनी वाला है, तो हम उसको क्या, कहां पर काम कर रहे हैं, हमको जर्नल में काम करना होता है। ये जर्नल क्या होता है, जर्नल सिंपल सी बात है, जैसे आप स्कूल में कॉलेज में क्या करते हो ना, हम एक रफ नोटबुक में काम करते हैं। रफ नोटबुक में काम करने के बाद हम घर पे जाके किस में काम करते हैं, फिर नोटबुक में। तो ऐसा लगा लो कि जर्नल जो है ना वो एक हमारी रफ नोटबुक है और जो हमारी लेजर जो है ना वो हमारी फेयर नोटबुक है। तो पहले हम जर्नल के बारे में देख लेते हैं कि जर्नल के अंदर हमको कैसे काम करना होता है। ट्रांजेक्शन की एक बार पहचान हो गई ना कि ट्रांजेक्शन वो मनी में हो सकती है, मनी में कन्वर्ट हो सकती है, तो हमको मनी वाली ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखना स्टार्ट करना होता है। कैसे, मान लो दिन के अंदर मैंने कहीं से 7,000 रुपए की मैंने परचेज की, तो मैंने क्या किया, एक ही जगह पे मैंने सारी खिचड़ी पकानी स्टार्ट कर दी। पूरा का पूरा दिन मैंने क्या किया, कितनी परचेज की लिख दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने 3,000 का किसी को माल बेच दिया। राम मेरे को 10,000 रुपए देने के लिए आया, मैंने वो भी वहीं पे लिख लिया। मशीन मैंने कहीं से 1 लाख रुपए की खरीदी, वो भी मैंने वहीं पे लिख ली। परचेज मैंने 3,000 रुपए की, फिर से मैंने वहीं लिख ली। उसी दिन फिर मैंने 10,000 का मेरे को फिर से कहीं से खरीदना पड़ गया, मैंने वही लिख लिया। मतलब ओवरऑल मैंने क्या की, सारी की सारी खिचड़ी पकाकर मैंने एक ही जगह पर कर दी। जो कि आपने देखा होगा कि इस तरह की जो हमारे पास दुकानों के ऊपर होती है, वो दुकानदार क्या करता है, पूरे दिन के अंदर जितने भी लेन देन होता है ना या बिजनेस के अंदर होते हैं, वो एक ही जगह पर खिचड़ी पकाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो सारी की सारी बातों को एक ही जगह पे लिख देते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या होता है, एक जर्नल का एग्जाम्पल है। रफ नोटबुक में भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना,
सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कोई टीचर आया, इंग्लिश का काम किया वहीं कर लिया, हिंदी का काम किया वो भी वहीं पे कर लिया, मैथ का काम दिया वो भी वहीं पे कर लिया, तो एक ही जगह पर हम खिचड़ी बना देते हैं। और घर पे जाके क्या करते हैं, इंग्लिश का काम इंग्लिश की नोटबुक में, हिंदी का काम हिंदी की नोटबुक में, अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की नोटबुक में, मैथमेटिक्स का काम मैथमेटिक्स की नोटबुक में करते हैं। तो जब हम अलग अलग नोटबुक्स में काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसा समझ लो कि फेयर नोटबुक रेडी करना हमारा लेजर का एग्जाम्पल होता है। तो अभी हमको क्या समझना है कि पहले तो हमको जर्नल के बारे में समझना है कि जर्नल क्या है। सारी ट्रांजेक्शन को, कौन सी ट्रांजेक्शन को, जो मनी वाली है उसको एक ही जगह पे हमको लिख देना। तो जर्नल के बाद हमको क्या समझना है, लेजर समझना है। अब ये समझ लो कि ये हमारा जर्नल हमने तैयार कर लिया, सिंपल सी बात, रफ कॉपी, घर पे जाके फेयर कॉपी बना ली है। अब हमने क्या की, ये हमने परचेज की एक कॉपी बना ली, जितनी भी परचेज हमने इसमें से की है उसमें से हमको क्लासीफाई करके जितना भी अमाउंट हमारा परचेज से रिलेटेड है सारा का सारा यहीं पे लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने 7000 की परचेज की, ये यहीं पे लिख ली। फिर दूसरी कौन सी है, ये 3000 वाली, ये भी मैंने यहाँ पे लिख ली। फिर तीसरी वाली 10000 भी मैंने परचेज की कॉपी के अंदर लिख दी, इसके अलावा हमारे पास कोई भी और परचेज नहीं है। फिर हमने एक सेल्स की कॉपी बनाई, सेल्स की कॉपी के अंदर मैंने क्या लिखा, सेल्स का अमाउंट लिखा। फिर अगली सेल देखो, अगली सेल है क्या कोई 5000 की सेल, ये मैंने सेल्स की कॉपी के अंदर लिख लिया। फिर देखो, फिर हमने एक 10000 की सेल और भी की है। फिर और देखो, फिर हमने एक 70000 की सेल की है ना। फिर इसी तरह से मशीन देखो, हमने ड्यूरिंग द डे 1,00,000 रुपए की मशीन भी खरीदी है, तो मैंने ये मशीन वाली जगह पे ही लिख दिया। फिर राम देखो, राम मुझे 2 बार पैसे देने आया है, राम मेरे को एक बार ही 10000 रुपए देकर आया, क्योंकि राम से हमारा कोई पुराना हिसाब किताब था, वो आज पैसे लौटाने आया है। फिर शाम के टाइम पर इवनिंग में वो हमको 5000 रुपए और दे के गया है। इसी तरह से मैंने शाम की भी एक नोटबुक लाई है, शाम को मैंने 10000 रुपए दिए हैं, मान लो शाम ने हमको कुछ बेचा होगा तो शाम को मैंने क्या दिए, दिए 10000 रुपए दे दिए। सिंपल सी कहानी क्या हुई, देखो सिंपल सा टॉपिक है, देखो जर्नल में एक ही जगह पर सारा का सारा लिख लिया, लेजर में क्या हुआ, अलग अलग कॉपी बना दी, जो जिससे रिलेटेड था उसको मैंने वहीं पर ही लिख दिया। एक बार जब हमको लेजर का टॉपिक समझ में आ जाता है, तो लेजर के बाद हमको क्या बनाना होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता देता हूं, इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। जितने भी बैलेंस हमारे यहां से बचेंगे, जितने भी टोटलिंग हमको यहां पर करनी है, उन सिर्फ टोटल्स की हम अलग से लिस्ट रेडी कर देंगे जो कि ट्रायल बैलेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टोटल कितनी परचेज की एक साल के अंदर, या कह लो कि एक महीने के अंदर, मैंने मान लो पूरे के पूरे साल के अंदर मैंने 20000 की परचेज की, तो मैंने क्या किया, इस अकाउंट का मैंने टोटल लगा दिया कि मैंने टोटल 20000 रुपए की परचेज की। तो मैंने क्या किया, अलग से एक लिस्ट बना दी, बैलेंसेस की लिस्ट, उस लिस्ट को मैंने नाम दिया है ट्रायल बैलेंस, जो कि हमारा अकाउंटिंग साइकिल का एक स्टेप है। टोटल परचेज कितनी की, 20000 की। इसी तरह से मैंने सेल्स वाली कॉपी का भी टोटल लगाया कि मैंने पूरा का पूरा साल कितने की सेल की, 88000। मशीन कितने की खरीदी, 1,00,000 की। राम से मैंने कितने पैसे लिए, 15000। शाम को मैंने कितने पैसे दिए, 10000। ये जो ट्रायल बैलेंस वाली जो प्रोसेस होती है ना, ये लगभग एक टाइम पीरियड के बाद ही तैयार होती है। जो हमारा जर्नल और लेजर वाला काम है ना, ये पूरा का पूरा साल आपका चलता रहता है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है। और ट्रायल बैलेंस को समझना भी देखो कितना आसान है। तो यहां तक हमने क्या किया, रफ नोटबुक बनाई, रफ नोटबुक में से हमने काम को अलग अलग कर दिया, शाम का शाम के अकाउंट में, राम का राम के अकाउंट में, सेल्स का सेल्स में चला गया, जर्नल का जर्नल में चला गया, मशीन का मशीन के अकाउंट में आ गया। उसके बाद क्या, सिंपल सा स्टेप ट्रायल बैलेंस का, टोटल किया और सिर्फ जो टोटल टोटल आया उसकी एक अलग से एक लिस्ट रेडी कर दी है, और इसी लिस्ट को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है, हमको ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अभी क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो ट्रायल बैलेंस में जितने भी हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, इन्हीं अकाउंट्स में से कुछ अकाउंट्स का जो बैलेंस चला जाता है वो चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर।
इसी में से ही कुछ आइटम्स चली जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इसी में से ही कुछ आइटम्स को हम उठा के लेके जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। इसको बनाने का पर्पस क्या है? अब ये जो दो है ना स्टार्टिंग वाले, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे हमको क्या पता लगता है कि हमको बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर कितने प्रॉफिट हुए और कितने लॉस हुए, इनसे पता लगेगा। देन बैलेंस शीट क्या काम आती है? बैलेंस शीट से हमको ये पता लगता है कि हमने कितने लोगों को पैसा देना है, कितने लोगों से पैसा लेना है, मेरे बिजनेस में कितने रुपए की प्रॉपर्टीज है, मेरी बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। और यही टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि हमारा मेन बेसिक पर्पस भी क्या था, प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना, प्रॉपर्टीज का पता लगाना, कितने लोगों को पैसा देना है, कितने लोगों को पैसा देना है। ये सारी बातें जानने के लिए ही हमने ये प्रोसेस के ऊपर काम किया, लेन देन की पहचान की, जर्नल में एंट्री की, जर्नल में एंट्री करने के बाद हमने क्या किया, उसको लेजर में कन्वर्ट किया, अलग अलग जगहों पे लिख दिया, बैलेंसेस की फिर एक लिस्ट बनाई जिसको हमने ट्रायल बैलेंस नाम दिया। देन इसी में से ही कुछ हमने छाट कर कुछ चीजें चली गई ट्रेडिंग में, कुछ यहाँ तो कुछ यहाँ। लास्ट में हमको रिजल्ट क्या मिला पता लग जाएगा हमको बहुत इजी फॉर्म में कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने लोगों को पैसा देना है, कितने लोगों से लेना है। अक्सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के बाद क्या हम उसको ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मैं जवाब दूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको जर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लेजर भी बना सकते हैं, यहां से ये बन सकता है, यहां से ये बन सकता है, पर एरो को इधर ट्रांजेक्शन की घुमाने का मतलब ये नहीं है कि यहां से हम वापस ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सर्कल, ये एरो, ये इंडिकेट करता है कि यहां पर हमको क्या पता लगता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, हमारे बिजनेस की पोजीशन कितनी है, कितने लोगों से पैसा देना है, कितने लोगों से पैसा लेना है। ये सारी बातों में कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उन लोगों को हमने कम्युनिकेट करना पड़ता है, उन लोगों तक हमको ये बातें पहुंचानी पड़ती है। हमारे बिजनेस के प्रॉफिट जानने के अंदर, लॉस जानने के अंदर कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं? बिजनेस का ओनर, जितने बिजनेस में पैसा लगाया था वो जानना चाहता है, डेफिनेटली जानना चाहता है कि मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। बिजनेस के इंप्लॉइज क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि उनको बिजनेस में से सैलरी लेनी है, क्योंकि बिजनेस के अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहे होंगे तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मुझे सैलरी भी मेरी बढ़ा दी जाए, मुझे बोनस चाहिए। बिजनेस का मैनेजर डेफिनेटली जानना चाहता है। इसी तरह से कुछ एक्सटर्नल पार्टीज भी होती हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखती हैं, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, पब्लिक है, पब्लिक को भी जानना है, मीडिया है, मीडिया वालों को भी जानना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नौकरी चाहिए होती है, तो वो भी हमारे बिजनेस के अंदर पहले ये देखते हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो वो हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए आएंगे। तो इस सर्कल को घुमाने का मतलब क्या हुआ? ट्रांजेक्शन करना बिल्कुल भी नहीं। इस सर्कल का, इस एरो का मतलब यह है कि हमको प्रॉफिट और लॉस और बिजनेस की पोजीशन जानने के बाद हमको बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। वो कौन से लोग हैं इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। अदरवाइज इसका एक आपके बुक के अंदर आपको एक डिफरेंट सा टॉपिक भी पढ़ने को मिलेगा, वहां से आप इसको बहुत डीपली स्टडी भी कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने अकाउंटिंग साइकिल का टॉपिक पढ़ा है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आप अगले वाले टॉपिक 5 या 10 मिनट में ही बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और ये सारे टॉपिक्स कौन से हैं कि अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस, फीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझना है वो ये है, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा अकाउंट्स बेस करता है। ये टॉपिक समझना सिर्फ आपके लिए अभी 2 या 5 मिनट का ही टाइम आपको टाइम लगेगा। ये टॉपिक अकाउंटिंग साइकिल से निकल कर आएगा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस हैं। तो ये अकाउंटिंग साइकिल के बेस पर जो हमने सारे के सारे जो हमने टॉपिक्स देखने हैं, ये टॉपिक्स आप नेक्स्ट वीडियो में ही देख पाएंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।